सुमरण तो आप करते हैं, उसका फल तो मिलना है, लेकिन साथ में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा भी करते रहते हैं। तो किया गया सुमरण इन्हीं से आपको बचाने में खत्म हो जाता है। आप बचे तो रहते हैं। कई बार आदमी सोचते हैं, यार मैं ये बुरे कर्म करता हूं, ऐसे करता हूं, फिर भी मैं ठीक ठाक हूं। वो ठीक ठाक किया गया सुमरण ही बचाता है। और अगर आप ये बुरे कर्म ना करते तो वो सुमरण का फल आपको इतनी खुशियां देता, आपकी कुलों को इतनी खुशियां देता कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर आपकी मूर्खता की वजह से, मन और मनमते लोगों के उकसाव की वजह से आप अपना किया गया थोड़ा बहुत सुमरण या सत्संग का जो फल मिलता है वो अपनी तरफ आने वाले काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया, ईर्ष्या, द्वेष, दुई, नफरत रूपी पहाड़ों को बचाने में ही खत्म कर लेते हैं। तो इसलिए भाई हम तो यही चाहते हैं कि मालिक के प्यार में आगे बढ़ो, मालिक के प्यार से माला माल हो जाओ। पर अड़चने जो आपके जो सामने हैं इनसे बच के निकलना कोई मामूली बात नहीं। प्रेम कमाना, शेर जगाना डरपोकों का कम नहीं। डरपोक मतलब जो सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं और दृढ़ यकीन रखते हैं और दृढ़ता से आगे बढ़ते जाते हैं, वो डरपोक नहीं होते। जो ये सब कुछ नहीं करते वो डरपोक कहा गया है, क्योंकि वो फिर डरपोक बने रहते हैं।